Assalamualaikum. We have voted for Congress, but Congress has not changed our area. In our country, the change has not been occur. But if we want to change our country, we have to elect full supportive minister for corporation. The area is not fully developed because of we are supporting from last 10 years. The area has not developed fully. The drainage is not cleared. Therefore, we have to support for GDS. Thinking that the GDS will support us, our country will be developed and our area will be get neat and tidy. Therefore, we want to support for GDS party. Ward number 14. We want to support for Azhar Patel. The Congress has not done anything for us. Our area has not cleaned. The drainage system was not good. We want to support for GDS party. Therefore, we are supporting Azhar Patel. We want to vote for GDS. We want to change our country. The country will change from small areas like our ward number 14. The area is not good. The roads are not good. Therefore, we want to get developed. Our country, we want to develop. Therefore, we are supporting for Azhar Patel. We thought that the Congress party will support us and the area will get fulfilled. Our needs will be get fulfilled, but our needs has not been fulfilled from last 10 years. Therefore, we want to get proper party that will fulfill our needs. Therefore, we are supporting for GDS. Our fulfillment has to be fulfilled by the GDS party. इस बार नए चेहरे को लाना चाह रहे हैं क्या देखें? अब क्या देखें अजहर पटेल साहब को सपोर्ट करें? Because he is educated person ना, he is engineer. He will listen our fulfill needs. He will support us. One educated person only knows the value of roads and he will support us. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू. मेरा नाम मसरत बेगम है, वार्ड नंबर 14 से. 15 साल से हम कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं. हमारे पास कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं यहाँ पे. अब हमारी ख्वाहिश है कि हम अजहर पटेल जीडीएस पार्टी को जिता के लाना. ऐसा तो टोटली हमारा दिल वोट डालने पर, किसी को वोट डालने का इरादा नहीं था हमारा. जब उनकी हिम्मत अब चाहिए, उन्होंने हमारे को ये भरोसा दिलाए कि हम लोग आएंगे आपके पास, कुछ डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह. इसीलिए हम भी तो अभी उनको जिता के लाने की कोशिश कर रही. अजहर पटेल इससे पहले ये एरिया में क्या है कि मैं रोड बनाए, झाड़ा की फैसिलिटी दिए और सोशल वर्कर हैं. गरीब कोई भी रहा बोलो तो उसकी अपने खुद से उन्होंने क्या करे हैं कि मीडिया के सामने वगैरह सामने लाए नहीं. जो भी करें अपने हिस्से करे हुए हैं. अब ये हमारे एरिया से आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी करेंगे, उन्होंने अच्छा ही करेंगे, ये भरोसा हमारे को दिलाई. बस इसीलिए हम उनको जिता के लाना चाह रहे हैं, इसलिए वोट देना चाहते हैं. उन्होंने मतलब जैसे इससे 15 साल से जो हमारे कॉरपोरेटर इससे पहले के अली खान साहब जो थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करे. यहाँ पे सड़क की प्रॉब्लम बहुत है, जिस वजह से बारिश का पानी आकर रुकता है, उसकी वजह से मच्छर वगैरह होते हैं, डेंगू मलेरिया बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो रहा है. इसीलिए हम किसी नए पर्सन को लेकर आना चाहते हैं, वोट देकर उनको जिताना चाहते हैं, ताकि उन्होंने इसको अच्छा डेवलप करे और चेंज करे. ये जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म करे. यहाँ पे पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी इंशाल्लाह अगर उनको जिता कर लेंगे तो सल्यूशन मिलेगा उसका. तो इसीलिए हम उनको वोट करना चाहते हैं. उन्होंने दूसरे एरिया में 50% वर्क करे हुए है, बिना ये रहते हुए भी, मतलब बिना कॉरपोरेटर रहते हुए भी. तो हम इसीलिए उनको वोट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने जीत कर आएंगे तो हमारे एरिया के लिए उन्होंने 100% वर्क करेंगे इंशाल्लाह. इस बात तो ये है कि उन्होंने मतलब बहुत सारा लॉकडाउन वगैरह जो हो गया उसमें बहुत सारी हेल्प भी करे हुए हैं. यहाँ के बहुत सारे जने हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सके. तो इन्होंने इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ ज़रूर